मॉर्निंग क्लास, आज जो है अपन बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। कल जो है अपन ने देखी थी कि जो है किस प्रकार से जो है पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर एंट्री कर रही है, ओव्यूल के अंदर एंट्री करने के बाद भी एम्ब्रियो सैक के अंदर किस प्रकार से जा रही है, इसके अंदर सबसे जो कॉमन टाइप का था कि यह कैसे जो है पोलन ट्यूब जो इस टाइप के होते हुए जो है ओव्यूल के अंदर जा रही है, तो पोरोगैमी सबसे कॉमन टाइप कौन सा था, पोरोगैमी इन द सेंस कि जो पोलन ट्यूब है वो नीचे वाले माइक्रोपाइलर रीजन से जो है एंट्री कर रही है, जहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई है उस वाले रीजन से एंट्री कर रही है, दैट इज नोन एज पोरोगैमी। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिनर्जिड्स और एक जो है एक्सेल पाई जा रही है, सिनर्जिड्स और एक्सेल पाई जा रही है कलेक्टिवली, दैट इज नोन एज फिलीफोम अपैरेटस। इट मीन्स जो ये पोलन ट्यूब है ये फिलीफोम अपैरेटस की साइड से नीचे की तरफ से जो है एंट्री करती है। पोलन ट्यूब के अंदर ऑब्वियसली दो न्यूक्लियस होते हैं, मैंने आपको बताया था कि पोलन ग्रेन का जैसे ही पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरता है पोलन ग्रेन में जर्मिनेशन होता है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन पोलन ग्रेन से जो है ये पोलन ट्यूब से राइज होती है। पोलन जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर दो सेल्स होती है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल। तो जो जनरेटिव सेल है इसके अंदर जो है माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में इसके अंदर दो न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, दीज टू न्यूक्लियस आर मेल गैमेट्स, जिनको क्या बोलते हैं अपन मेल गैमेट्स बोलते हैं। अब मेल गैमेट्स जनरली क्या होते हैं, वो नीचे की तरफ डिसेंड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं नीचे की तरफ डिसेंड हो जाते हैं, और यहाँ पे एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। अब प्लग लाइक स्ट्रक्चर तो इसलिए बनती है जिसकी वजह से जो है इसके अंदर जो मेल गैमेट्स पाए जा रहे हैं ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करेंगे, तो इसको बोलते हैं कैलोज प्लग। That is known as Calo's plug. Calo's plug की वजह से जो है न्यूक्लियस में फिक्स हो जाता है, ये मेल गैमेट्स होते हैं जो कि आगे ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करने के बाद में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ऑलराइट, जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरा है, इन बिटवीन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ है, स्टिग्मा ने केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट किए हैं जिसके अंदर सुगर और वाटर मॉलिक्यूल सीक्रेट किए हैं, इट इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई कर रही है। ऑलराइट, जो है पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो गया है, पोलन ट्यूब अराइज हो गई है। पोलन ट्यूब अराइज होने के बाद में यहाँ पे भी स्टाइल के अंदर भी दो सिचुएशंस थी, स्टाइल के अंदर भी दो सिचुएशंस थी कि स्टाइल कैन बी होलो, स्टाइल कैन बी सॉलिड। अगर स्टाइल जो है होलो है तब तो पोलन ट्यूब नीचे ऑटोमेटिकली चली जाएगी, अगर स्टाइल सॉलिड है उस वाली सिचुएशन के अंदर पोलन ट्यूब क्या सीक्रेट कर रही थी, पेक्टिनेज, ये पेक्टिनेज को सीक्रेट कर रही थी जो कि कहीं ना कहीं अंदर जो भी कनेक्टिव टिश्यू थे स्टाइल के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही थी, और पोलन ट्यूब पेनिट्रेट करते हुए नीचे की तरफ आ जाती है। अब क्या होता है कि पोलन ट्यूब जो है अंदर की तरफ एंट्री करेगी, अब पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं, दो मेल गैमेट्स हैं, वो मेल गैमेट्स एक तो किससे फ्यूज होंगे, पोलर न्यूक्लियस से, एक तो किससे फ्यूज होंगे पोलर न्यूक्लियस से, और एक किससे फ्यूज होंगे एग सेल से, एक किससे फ्यूज होंगे एग सेल से। तो अब जो है जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पे इसके अंदर मेल गैमेट्स एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, अब अपन बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, कौन सी प्रोसेस के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो अपन देखते हैं कि दो मेल गैमेट्स हैं, राइट, पोलन ट्यूब के अंदर कितने मेल गैमेट्स हैं, टू मेल गैमेट्स हैं, एक मेल गैमेट तो किससे फ्यूज होगा, एग सेल से, मेल गैमेट इज हैप्लोइड, एग सेल इज ऑल्सो हैप्लोइड, बोथ आर फ्यूजिंग टू ईच अदर, फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है क्या फॉर्म होता है, जायगोट, क्या फॉर्म होता है, जायगोट, जायगोट के अंदर रैपिडली डिविजन होते हैं, क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो, क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो, राइट। तो एक फर्टिलाइजेशन से क्या हो गया, जायगोट फॉर्म हो गया है, जायगोट के अंदर किस किस का रोल है, एक तो मेल गैमेट का और एक एग सेल का, एक मेल गैमेट और एग सेल का रोल है। इसके बाद में एक और फर्टिलाइजेशन होता है, उस वाले फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि अभी भी एक मेल गैमेट रिमेनिंग है, अभी यूज्ड अप कितना हुआ है, ओनली वन, तो एक मेल गैमेट जो है अभी भी रिमेनिंग है, वो मेल गैमेट क्या करेगा, वो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा। मेल गैमेट इज हैप्लोइड बट पोलर न्यूक्लियस इज डिप्लोइड, पोलर न्यूक्लियस कैसा है, डिप्लोइड है, एन प्लस टू एन इज इक्वल्स टू ट्रिपल एन। अब जो है जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो कैसे होगी, ट्रिपल एन होगी। अब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसको बोलते हैं पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस,
दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो है एक वी कैन से कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि अंदर जो भी जायगोट है उसके अंदर रैपिडली डिविजन होंगे, तो जायगोट को जो है न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो जायगोट कंटिन्यूसली इससे जो है न्यूट्रिशन को सक करता रहता है पीईएन से। ऑलराइट, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक बार हो गया है, सेकेंड टाइम हो गया, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मेल गैमिट जो है हैप्लोइड है और डिप्लोइड पोलर न्यूक्लियाई से जो है ये फ्यूज हो रहा है, दैट सिचुएशन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। कलेक्टिवली दैट फिनोमिना इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। सो दोनों को एक साथ अपन क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। बहुत ही कॉमन सी प्रोसेस है, डबल फर्टिलाइजेशन से जायगोट फॉर्म होता है और ट्रिपल फ्यूजन से जो है पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है, जो कि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि डेवलपिंग जायगोट को कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। बहुत बार पूछ लेते हैं, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी फ्रॉम चैप्टर नंबर सेकंड, दैट व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। इसके अलावा जो भी फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट्स होने थे मैंने सारे इवेंट्स के बारे में आपको बताया है, और सून आपकी जो है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, एट दैट टाइम आई विल रिवाइज दीज ऑल थिंग्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।